हम कभी भी सपने में खुद की शक्ल को कभी भी शीशे में क्यों नहीं देख पाते। साथ ही साथ आज आप इस पूरी दुनिया की अभी तक की सबसे ज्यादा प्रिजर्व्ड मम्मी को देखने वाले हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर एक स्नेक खुद को ही खाना शुरू क्यों कर देता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि जब एक स्नेक बहुत ज्यादा गर्म जगह पर होता है तो उसके ब्रेन में कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होने लगती हैं जिसकी वजह से उसे फेक भूख लगने लगती है। मतलब एक्चुअली में उसको भूख नहीं लगती है, लेकिन फिर भी उसका ब्रेन उसे फोर्स करता है कि वो जबरदस्ती कुछ ना कुछ जरूर खाए। और उस कंडीशन में जब वो अपनी टेल को देखता है तो उसका छोटा सा दिमाग ही डिसाइड नहीं कर पाता कि वो उसी के ही शरीर का पार्ट है या फिर दूसरे एनिमल का। और उस कंडीशन में वो स्नेक कुछ इस तरीके से अपनी बॉडी को ही बहुत बड़े अमाउंट में सॉलो करके खत्म कर देता है। और वास्तव में ये अजीब है। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है कि 16 मार्च साल 1999 में एंडीज माउंटेन रेंज में रिसर्चर्स को अभी तक की 3 सबसे ज्यादा नेचुरली प्रिजर्व्ड ममीज मिली थीं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो ममी दिख रही है वो उन्हीं 3 ममीज में से एक ममी है। और अभी जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस ममी की सिर्फ स्किन ही नहीं बल्कि इंटरनल ऑर्गन्स और यहाँ तक की कुछ परसेंटेज में ब्लड भी पूरे ही तरीके से प्रिजर्व्ड है। असल में दोस्तों ऐसा सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन तीनों ने ही अपने देहांत से पहले काफी रिच प्रोटीन वाले फूड को कंज्यूम किया था। साथ ही साथ इनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन भी इनकी मृत्यु के बाद हुआ, जिसके चलते हुए 500 सालों के बाद भी इनकी बॉडी कुछ इस तरीके से प्रिजर्व्ड है कि मानो ये कोई मम्मी नहीं बल्कि हकीकत का एक जिंदा इंसान हो। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 1। हम सपने में कभी भी खुद की शक्ल क्यों नहीं देख पाते? असल में दोस्तों जब भी हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो उस कंडीशन में हमारे ब्रेन के बहुत से पार्ट्स पूरी तरीके से रिलैक्स स्टेट में होते हैं, जिसके चलते हुए सपने के अंदर हमारा ब्रेन ज्यादा डिटेल्स को हमें नहीं दिखा पाता। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दोस्तों कि जब भी हम सपने में किसी दूसरे इंसान की शक्ल को देखते हैं तो उस समय क्योंकि वो फेस हमारे ब्रेन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो वो हमें कम डिटेलिंग के साथ भी उनके चेहरों को दिखा देता है। लेकिन बात अगर खुद के फेस की जाए तो यहाँ पर एक इंसानी ब्रेन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाता और इसीलिए जब वो मिरर में हमारे फेस को ज्यादा अच्छी डिटेलिंग के साथ नहीं दिखा पाता तो उस कंडीशन में या तो हमारी नींद खुल जाती है या फिर हमारा ब्रेन हमारे ड्रीम की डायरेक्शन को ही चेंज कर हमारे फेस को उस ड्रीम से ही हटा देता है। क्या अपने ब्रेन की इस यूनिक टेंडेंसी को आप पहले से ही जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आप अपनी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।